हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए।
साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स।
सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस,
रिड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने। स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने। स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टॉलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने। स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने। स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टॉलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है,
बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए।
साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स।
सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस,
रिड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने। स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने। स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टॉलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने। स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने। स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टॉलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है,
बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए।
साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स,
मार्वल एंटरटेनमेंट, अरथ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अरथ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अरथ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर।
किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है वर्ल्ड रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है वर्ल्ड रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है वर्ल्ड रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज।
ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए।
साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स।
सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस,
रिड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरेलसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने। स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने। स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरेलसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने। स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने। स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरेलसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है,
बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए।
साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज, ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा, बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा, एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा, म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स।
सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 14 सितंबर 2021 को लंडन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए, उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस,
रिड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रेहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रैंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टॉलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 506.9 मिलियन US डॉलर इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है,
बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी रिव्यू पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, सहयोग दिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पर, उसके लिए। साथ में जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए उन सभी से माफी मांगना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मूवी देखना है तो मैं आपको डायरेक्ट कोई मूवी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे यूट्यूब की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वैनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम का सेकंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मूवी 2021 में अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म फीचरिंग मार्वल कॉमिक करेक्टर वेनम के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंडी सेरिक्स ने, स्क्रीन प्ले किया है कैली मार्शल ने, स्टोरी दी गई है टॉम हार्डी और कैली मार्शल द्वारा। बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। प्रोडक्शन किया है एवी एरेट, मैट टोलमैक, एमी पास्कल, कैली मार्शल, टॉम हार्डी, हच पार्कर। किरदार इसमें रहे हैं टॉम हार्डी, माइकल विलियम्स, नाओमी हैरिस, रीड स्कॉट, स्टेफन ग्रहम और वुडी हैरिसन। सिनेमेटोग्राफी की गई है रॉबर्ट रिचर्डसन द्वारा। एडिटिंग की गई है मारियन ब्रेंडन और स्टैन सेल्फास्ट द्वारा। म्यूजिक दिया गया है मार्को बेल्ट्रेमी द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इसमें रही हैं कोलम्बिया पिक्चर्स, मार्वल एंटरटेनमेंट, अर्थ प्रोडक्शंस, मैट टोलमैक प्रोडक्शंस और पास्कल पिक्चर्स। सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 14 सितंबर 2021 को लंदन, 1 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में इसको रिलीज किया गया। इसकी लेंथ थी 97 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, इंग्लिश में, जिसका बजट था $110 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर $506.9 मिलियन इस मूवी ने कमाई की।